हेलो हेलो। यार, थैंक यू सो मच। अरे पापा, थोड़ी देर पहले कोई बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्या हो गया? अरे अरे वो मुझे आपका गिफ्ट मिला घर के बाहर से। यार इतनी अच्छी इयररिंग्स है ना, मैं बता भी नहीं सकती यार। मतलब बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। मिले सुना बीबी, क्या ही बताऊं मैं। पता है उतना भी ज्यादा प्यारा नहीं है, प्यारा है हाँ, थोड़ा सा प्यारा है, बट मुझे इतना तो यकीन था कि जब आप इसको पहनोगे ना, तो आप तो पहले से इतने ज्यादा क्यूट हो, प्यारे हो ना, इस इयररिंग की खूबसूरती बढ़ जाएगी। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर मैं पहन लूंगी इसे। वैसे पता है मैंने सोचा था कि ये गिफ्ट मैं आपको अपने हाथ से दूंगा जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिलेंगे, बट आपको पता ही यार के काम के चक्कर में मिल नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट ये गिफ्ट जिसके लिए है उसकी अमानत उसको मैं दे दूं। वैसे ना मैंने भी आपके लिए गिफ्ट लिया था, बहुत अच्छा हुआ। ओ माय गॉड, रियली? हाँ तो कब दिया क्यों नहीं? अच्छा, तो मिली ही नहीं ना, तो फिर मैं कैसे देती हूँ। वो भी वाली बात आपकी सही है। कोई नहीं यार, जब मिलेंगे तो दे देना, आप कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, उस टाइम पे मैं दो गिफ्ट लूंगा, क्योंकि ये गिफ्ट तो है ही, और फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए वो अलग गिफ्ट होगा, तो ये मैं सोचना कि एक गिफ्ट में आपका काम बन जाएगा। हाँ अच्छा तो फिर आप भी गिफ्ट लेके आना। मैंने तो दे दिया ना। हाँ पर हम हमारी फर्स्ट मीटिंग वाले गिफ्ट तो नहीं मिली है ना मुझे। जी समझ रहा हूँ जनाब, आपको गिफ्ट चाहिए अपनी। जी अच्छा बाबा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, ठीक ना? बट अब तो एटलीस्ट कम से कम देखो, उस टाइम तो आपने अपनी पिक्चर नहीं भेजी, ठीक है? आई होप अभी तो झुमके पहन के एक प्यारी सी पिक भेज दो ना, कि कैसी लग रही हो। ओके वेट, मैं पहन के भेजती हूँ। ऐप यार ओपन करो, कर लिया बाबा, कर लिया। देखो मैंने भेज दिया। वाह यार, इतना ज्यादा क्यूट, कोई कैसी लग सकता है? हाँ बताओ, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो आपकी, मैं क्या ही बताऊं। हाय, मुझे तो लग रहा है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए आपको। हाय, इतनी प्यारी सी फेस है यार, क्या ही बताऊं। और ये जो काली सी बिंदी आपने लगा रखी है ना, क्या ही बताऊं। हाय, मतलब दिल चुरा के ले जा रही है ऐसा लग रहा है मुझे। पर अपने मैं कानों के झुमके की तरफ तो सॉरी। देखो, अपनी कानों के झुमके की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे कुछ कहना चाह रही है, बट लग रहा है ना कि थोड़ी सी शर्मा रही है, जैसे आप शर्मा रहे हो, है ना? आपको कैसे पता कि मैं शर्मा रही हूँ? मुझे पता है ना, देखो हर बातें जो है आपको कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें आपकी आंखें भी कह देती हैं। अच्छा हाँ पता है ना, आप आंखें भी पढ़ लेते हो क्या? मैं आंखें पढ़ लेता हूँ, दिल पढ़ लेता हूँ, फेस क्या कहना चाह रहा, फेस रीडिंग भी आती है मुझे, मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, बस बुक्स पढ़ने में नहीं होता है मेरे को। अच्छा आपकी स्माइल बता रही है कि शायद किसी का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है ना। हाँ चलो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो भला हुआ मेरा ना। बट यार सच्ची बताओ ना, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ज्यादा। और ये ड्रेस है ना आप पे, मैं बता नहीं सकता, पता है तारीफ के लिए ना शब्द मेरे कम पर है। और ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, आप पे बहुत ज्यादा सूट करता है। तो फिर जब हम पहली बार मिलेंगे तो भी ना मैं ब्लैक ही पहन के आऊंगी फिर। हाँ, और शायद आपको ये बात पता है कि ब्लैक मेरा फेवरेट है। नहीं आपने बताया ही नहीं मुझे। अच्छा, बट फिर भी देखो, सोचो कि ऊपर वाला भी क्या चाहता है ना, कि आपने फर्स्ट टाइम वही ड्रेस पहना जो मेरी फेवरेट हो। सोचो सोचो, कहीं हाँ ऊपर वाला कोई इशारा तो नहीं है? हाँ शायद इशारा ही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा ना यार, वैसे भी शायद मैं भी कहीं आप अच्छा समझा सको। ठीक है फिर मैं समझा दूंगी। थोड़ी देर पहले जो है कोई मुझे सॉरी कह रहा था शायद। सॉरी बोल रही थी ना, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव किया आपके साथ। मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी आपसे, इसीलिए।
बाबा सॉरी बोलने की कोई नीड नहीं है ना, पता है ना दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, पता है ना आपको कल ही आपने मुझे फ्रेंड बोला था है ना। वो तो है, बट क्या बोलूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो फिर मैं, मेरा माइंड ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बिल्कुल ही। इसीलिए ना मैंने कुछ ज्यादा ही रूड बात किया आपसे, सॉरी। आप तो बहुत स्वीट हो यार, आपने मेरे लिए गिफ्ट भिजवाया, इतना सोचा मेरे बारे में, थैंक यू। मैं स्वीट हूँ बट कौन सिंगर से मैं स्वीट लग गया हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं स्वीट भी हूँ। अरे वो आप खुद को थोड़ी लगता है कोई भी, अच्छा दूसरों से पूछोगे तो पता चलेगा। कोई नहीं आप ही बता दो कि मैं स्वीट कैसे हूँ, क्योंकि मुझे तो लगा शायद मैं नमकीन हूँ। अरे वैसे नहीं यार, तो अब फिर हो क्या यार, अब काफी है? अच्छे। मतलब सोचो आप मेरे से बस एक टाइम मिले इंगेजमेंट के टाइम पे, ठीक है, हमारी सिर्फ आई थिंक ये सेकेंड टाइम कॉल पे बात हो रही है, और 3 ही टाइम में आप इतना ज्यादा जान गए मुझे। हाँ बताओ बताओ कैसे। बस जान गई, जैसे आपको फेस रीडिंग आती है ना, वैसी मुझे भी आती है, मैंने भी जान लिया आपको। अच्छा तो बताओ मेरा फेस देख के क्या लगता है, मतलब क्या जाना आपने, थोड़ा बताओ मेरे बारे में। चलो अभी देखते हैं कि आपको आता है या फिर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है चलो बताओ बताओ या बताओ। आप अच्छे हो, स्वीट हो, प्यारे हो, कभी कभी रूड हो जाते हो, पर ठीक है, कोई बात ठीक ही है बस, क्या कह सकते हैं आप। बट मुझे लग रहा है ना आपको फेस रीडिंग नहीं आती, क्योंकि आपको किसने कह दिया मैं स्वीट हूँ। ना ही मैं स्वीट हूँ ना ही मैं अच्छा हूँ, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, शादी जैसी हो जाएगी ना धीरे धीरे जान जाओगे मैं एग्जैक्टली हूँ कैसा। पर मुझे तो आपको शादी से पहले जानना हाँ तो कौन सा मैं मना कर रहा हूँ, अभी जान लो मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ बताओ। है यार, पर फोन पे एक दूसरे को कितने ही जान सकते हैं। अच्छा तो मतलब कोई मिलना चाहता मुझसे। हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के अच्छा मतलब मिलके क्या करोगे फिर। लिए, बस टाइम स्पेंड करेंगे यार एक साथ, तो हमारा बॉन्ड ना ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। सिर्फ फोन पे तो ठीक है, बट से ना से मिलके ना थोड़ा ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, ऐसा मुझे लगता अच्छा बाबा कोई बात नहीं, जैसा आपकी हुक्म सरकार वही करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब तो जीवन भर आपके यहाँ में यहाँ मिला के चलना है, तो क्या ही है जो कहोगे आप। अभी आप बोल दो कि अभी दिन नहीं रात है, तो वो भी मान लेंगे, रात को दिन दिन को रात। अरे जो मतलब कहते हैं ना बीबी जो कहे सब सही है, सब सही है। है। हाँ पर देखो ना, हमने इतना कुछ प्लान किया था आज के लिए, बट कुछ हो ही नहीं पाया यार, हमारी हमारी ना किस्मत ही खराब नहीं बप्पा देखो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता हमारी किस्मत खराब है। अब देखो हम लोग नहीं मिले किसी है। भी क्या हुआ ना, फिर भी एटलीस्ट गिफ्ट तो मिल गया, हमारी बातें तो हो ही रही हैं। और ये सोचो ना कि आप किसी और के साथ प्यार में थे, ठीक है, बट फिर भी हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था कि हमें एक दूसरे के साथ मिलना था, तो किसी न किसी बहाने हमारी शादी हो रही है ना। इससे तो ये पता चलता है कि हाँ सब कुछ एक अच्छे कारण की वजह से होता है, तो क्यों ही इतना टेंशन लेना, बस चिल करो चिल। ठीक है, बट क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? दोबारा मिलना आपको। तो मिले ही कहाँ कोई नहीं, सोचूंगा सोचूंगा इस बारे में भी सोचूंगा। अरे है, मतलब आप श्योर नहीं हो कि आप मिलोगे? बाबा पता है जब इतना क्यूट वॉइस में आप बोलते हो ना, तो दिल नहीं करता मेरा मना करने का बाबा। इतना क्यूट, हाय क्या ही बोलूं मैं, इतना क्यूट वॉइस में अगर आप किसी को कुछ भी कहो ना, तो वो तो वहीं दिल हार बैठे अपना, तो मैं मना कैसे ही कर सकता हूँ बताना। तो हाँ कर दो ना। ये बाबा हाँ है हाँ है, अरे कबूल है कबूल है कबूल है अब, ठीक है। बट पर पता एक है प्रॉब्लम है, क्या, मैं ना कल तो नहीं मिल सकती, मैं 2-3 दिन बाद ही आपसे मिल सकती। 2-3 दिन बाद कल क्यों नहीं मिल सकते। अरे आज ही तो मैं घर से बाहर गई थी ना, तो आज मैंने दोस्त का बहाना किया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, और फिर कल मैं नया बहाना कहाँ से लाऊंगी? सुनो, अरे बप्पा वैसे भी सुनो सुनो, आपने बोला घर पे कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें गलत क्या ही है, हम लोग तो वैसे भी दोस्त ही हैं, करेक्ट। तो शादी जब तक शादी नहीं होती हमारी तब तक तो हम लोग दोस्त ही हैं। हाँ
फियांसे भी हैं वो तो अलग सी बात है, बट पहले तो हम लोग दोस्त बन चुके हैं ना, वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स नाउ, तो आपने जो भी कहा तो सही है। हाँ, पर अगर घर वालों को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए आप टेंशन मत लो कि मैं अंकल आंटी से परमिशन ले लूंगा, ठीक है? अरे नहीं, उन्हें मत बताना, वो नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करें? मैं ना आपसे कल नहीं मिल सकती, मैं अब ना आपसे मैं परसों आऊंगी मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, बट यार हाँ सी मतलब सेम जगह पे मिलना है ना, सेम कैफे है राइट? हाँ, बट हमने नेक्स्ट जो डिसाइड किया था ना उसी जगह पे उसी टाइम पे मिलेंगे। बट नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत कर देना कि बदला लेने के चक्कर में मैं वेट करते रह जाऊं और आप ना हो, ठीक ना? यार मैं ऐसा कुछ नहीं करती यार, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, बट कितनी आप आ जाना। कितनी प्यारी स्माइल है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आदेश? नहीं चलिए जैसा कहते हैं आप, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? पक्का ना, इस बार आ जाओगे ना आप? हाँ हाँ बाबा, पक्का पक्का, प्रॉमिस है मेरा, आ जाऊंगा। तो फिर डन, हम परसों मिल रहे हैं। बिल्कुल डन 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 डन। बाय बाय। बाय। तो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टिल देन टेक केयर, बाय।